मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है जी? आप सबकी उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार और मोहब्बत से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी, शुक्र है अल्लाह का। और सब देखने वाले और सुनने वाले बहन भाई जी, जिस शहर से भी हमें देखते हैं सुनते हैं जी, अल्लाह ताला उन सब पर अपना खास करम अता फरमाए। जो परदेश से देखते हैं जी, अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, खुश रखे, हर दुख तकलीफ़ और परेशानियों से अल्लाह ताला अपनी जुम्मन में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आज का जी न्यू ब्लॉग हो चुका है जी स्टार्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं क्या कर रही हूँ वो भी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए जी, मैंने रखी हुई है हंडिया इधर, आपको सूं सूं की आवाज़ आ रही होगी, ये देखिए जी। अच्छा जी, इधर हमारी बन रही है हंडिया, दोपहर का खाना बना रही, लाइट गई हुई थी सुबह से, तो लाइट आई है 2 बजे, तो अभी अभी मैंने हंडिया रखी है, ठीक है। हंडिया हमारी बन गई है, मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ मैं सलाद भी बना लेती हूँ, ये देखिए जी, ठीक है। साथ साथ मैंने सलाद भी बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा बच्चों के लिए थोड़े से ये खीरे पड़े थे, मैंने कहा चलो ये सलाद बना देती हूँ बच्चों के लिए, खाना ज़रा मज़े का हो जाएगा, ठीक है ना। और दाल के साथ तो वैसे भी सलाद मज़े की लगती है, ठीक है जी। और ये देखिए जी, मुन्ना के इस वक्त लगी हुई है भूख, मुन्ना जी भूख लगी है, टांग में पेन हो रहा है जी मुन्ना जी के। अच्छा जी, हम जल्दी जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये मैं खीरे इधर रखती हूँ, ठीक हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी कैसे है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, इतनी शदीद गर्मी हो रही है। हालांकि रात को हमारे यहाँ इतनी शदीद बारिश हुई है ना, लेकिन फिर भी गर्मी का वही हिसाब है। मैंने सोचा क्यों ना साथ में एक प्याज भी काट लेती हूँ, क्योंकि प्याज मुझे बहुत पसंद है दाल के साथ। किस किस का पसंद है जी प्याज दाल के साथ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाथ धो के आऊँ, काट लो। और ये दुआ से करते हैं जी, खीरे दुआ जी काटती है, ठीक है। ये खीरे, ये खीरे प्याज दुआ से कैसे दुआ सलाद बनाती है, ठीक है। और हम बनाते हैं जी रोटी, देखते हैं हंडिया कहाँ तक पहुँची है हमारी, ठीक है जी। ये क्या हुआ, और गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, रात को हमारे इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, फिर भी मौसम देखे जी, आप देख रहे होंगे पसीने किस कदर आ रहे हैं मुझे, इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। अल्लाह जाने कब ये मौसम चेंज हो गया, कब ये मौसम जाएगा गर्मी का, बुरा हाल हो गया। क्या ये ठंडा नहीं होता, गर्म होता है, इसमें हाथ रखोगी ना हाथ जल जाएगा। हाँ जी, ना करो मोना। वालेकुम अस्सलाम जी मोना, जाओ अब फ्रेश हो गया, चलो जाओ, चलो वॉश कर लो। हाँ वॉश कर लो। हाँ जी, तो हम तब तक रोटी का देखते हैं, इसे तड़का लगाते हैं ना सबसे पहले, चूल्हे का बहुत ज्यादा सेक है, बिस्मिल्लाह, बहुत बुरा हाल हो रहा है, उसके भी बुरी हालत हो रही है। अभी भी दाल कह रही मैंने पकना है, और अभी दाल को और पकने देते हैं उसे, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए ना। बाजी थोड़े से दिन रह गए, बच्चों की भी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, ठीक है। द्वार मोमना की से फिर से बना लेते हैं, जल्दी करो द्वार, कटिंग भी करनी है। और जी मेरे सब बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप अपनी प्यारी से सब बहन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ठीक है जी। वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें,
और चैनल को जल्द जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया करें। देखे जी मैं कितनी गर्मी में खड़ी होके आप सबके लिए वीडियो बना रही हूँ और हालों बेहाल हो चुकी हूँ मैं इस टाइम। भाई आप उधर रखो ना मैं, ताकि मैं इधर किचन का काम खत्म करूँ। अच्छा जी ये देखिए जी हमारा तड़का है जो रेडी शेडी हो रहा है, ठीक है जी। पहले हम लहसुन को अच्छे से ब्राउन करेंगे, फिर इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। और ये तड़का इतना मज़े का लगता है ना जब दाल बनती है, आ हा हा उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं सब। और ये देखिए जी दाल हमारी रेडी शेडी हो गई है, ठीक है। और ये देखिए जी दाल मैंने थोड़ी सी ना ऐसे गाड़ी से रखी है, क्योंकि चावल भी बनाना है शाम को, तो फिर बच्चों ने शाम को चावलों का कह देना है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना शाम को चावल भी बनाने, तो इस उसी हिसाब से फिर मैंने दाल को भी रख लिया, ठीक है ना। अच्छी गल है ना, समझदारी की गल है ना जी। और यह वेखो जी साढ़ा तड़का शड़का जरा रेडी शेडी हो रहा, तो ये छेती छेती पा दें सफेद जीरा। सफेद जीरा किधर है जी, और आ गया जी सफेद जीरा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाह जी वाह जी वाह। और ये देखिए जी दुआ जी ने पहली बार ओए होए 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 गार्निशिंग की है जी। ये देखिए कितनी प्यारी ट्रे प्लेट को सजाया दुआ जी ने, सलाद बनाई है, ज़बरदस्त हो गया जी। चले जी दुआ जी फ्रिज में रख दो आप, ठीक है। और जी हमारा तड़का रेडी शेडी हो गया, ठीक है, इसे डाल देते हैं। ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ जी पीछे इतनी मजे की खुशबू आ रही है ना, मैं थानू दस नहीं चल रही। इधर रखो ना साफ करो। और ये देखिए दाल देखिए मजे की, जबरदस्त सी दाल हमारी रेडी होगी, ठीक है जी। की नहीं बढ़िया, चलो चल भाई बच्चा तू वापस चल, ठीक हो गया। और अब हम बनाएंगे जल्दी जल्दी से रोटी, ठीक है जी। इसके ऊपर दे देते हैं प्लेट, ठीक हो गया। अब जाओ जी बर्तन धोने में, ठीक है। और जी इधर मैं रोटी बनाने स्टार्ट हो गई हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब जल्दी से रोटी बेलते हैं। ये देखिए जी, ठीक है जी रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। और ये पहली रोटी हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने डालने लगी तवे पर, ये देखिए ये देखिए हमारी जी डल चुकी है तवे पर, ठीक है। और जल्दी जल्दी से बस रोटी बना लेते हैं, इससे पहले फिर ना लाइट का कोई मसला बन जाए, क्योंकि जी लाइट बार बार जा रही है, बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। लाइट ने तो बहुत ज़्यादा जलील करता, जलील व खुवार करता। अच्छी अच्छी तीन रोटी बना लेने हैं जी, और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अच्छा जी हीटर का ये मसला होता है कि ना ये बड़ा स्लो 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 चलता है, और जब तेज़ होता है तो चीज़ों को जला देता है। फिर तवा गर्म हो जाएगा, तवा जब गर्म हो गया एकदम से तो फिर रोटी जलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो बन रही है, ठीक है ना।
ये चलिए एक तरफ से ना जलना स्टार्ट हो जाती है रोटी। अच्छा हीटर पर ना रोटी बड़े ध्यान से बनानी होती है क्योंकि हीटर के ना तारों पर नहीं रोटी लगनी चाहिए। ये देखिए जैसे ना थोड़ी थोड़ी रोटी करके ऐसे सेकना होता है, पूरी तरह नहीं हम कर सकते इसे। ये देखिए क्योंकि अगर तारों के साथ टच हो जाए ना फिर शॉर्ट लगने का खतरा होता है। और गैस बिल्कुल नहीं है। ये जी जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं। ठीक है अच्छा जी, सिलेंडर चलाए उसका खतरा, हीटर चलाए उसका खतरा, बिजली चलाए उसका खतरा, बंदा चलाए तो क्या चलाए, हर एक चीज का खतरा ही खतरा है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे जी। अम्मी पर जी रोटी बनती बहुत जबरदस्त है, देखो जी तंदूर जैसी रोटी बनी है। हूँ इस साइड तो भी सेक लेने। ते जी फिर उस तो बैठ के खाना खाने है, बड़ी जोरदार भूख लगी हुई है। ठीक है छेती छेती रोटी सीख जा जल्दी। और जी थानू सारे नू छोटी जी रिक्वेस्ट है कि छेती छेती जाओ सबा दे चैनल नू लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो सबा दे चैनल। और जी थानू सारे नू छोटी जी रिक्वेस्ट है कि अपने प्यारे जी सबा ब्लॉग चैनल नू जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है वीडियो मुकम्मल वाच करना है तुसी। ठीक हो गया जी छेती छेती करो जाके। हेलो ऐ जी वेखो साड़ी दोनों तरफ रोटी सिक गई है। ठीक है ऐ वेखो सिक गई है ना, दूसरी रोटी तैयार कर दे। माशाल्लाह जबरदस्त रोटी बनी। इन्हें रख लेने जी अपना और जी मोमना नहाने जा चुकी है। ठीक है मोमना नहा कर आ जाएगी फिर दुआ नहाने चल जाएगी। ठीक है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं